एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत प्यारा खूबसूरत दिन है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें भगवान कृष्ण का आपके लिए स्पेशल संदेश हो। भगवान कृष्ण का दिन है आज, उनकी ऊर्जाएं हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हैं। आज हम उनको बहुत साक्षात्कार रूप से इनवाइट कर सकते हैं, बुला सकते हैं, उनकी ऊर्जाओं को ग्रहण कर सकते हैं। तो इस समय में रीडिंग जब की जाती है तो बहुत खूबसूरत रहती है। ऐसे में आपको वही रिजल्ट्स मिलते हैं जो भगवान आपसे कहना चाहते हैं। जिस ऊर्जा को आप अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, अगर वो उसी का ही दिन हो तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और प्रभावशाली रहता है। तो चलिए आज जानते हैं कि भगवान कृष्ण आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। आप लोगों ने मुझे जो प्यार दिया है, जो अपनापन दिया है, जो आप लोगों ने मुझ पर भरोसा दिखाया है, आप लोगों ने टैरो रीडिंग क्लासेस के लिए बहुत सारी एंट्रीज करवा दी हैं, तो इसके लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का विश्वास इसी तरह से मैं बनाए रखूँ, इसकी मैं पूरी कोशिश करूँगी। चलिए आज की रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं और जानते हैं भगवान कृष्ण आपसे क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर आपको 3 पाइल्स दिखाई देंगी। इन तीनों में से आपको एक पाइल को चूज़ करना है अपनी रीडिंग को देखने के लिए। फर्स्ट पाइल है द चैरियट कार्ड। यहाँ पर एक रथ दिखाई दे रहा है जिसके सारथी भगवान कृष्ण हैं। और दूसरे पाइल में आपको राधा कृष्ण की पिक्चर दिखाई देगी। तीसरी पाइल में द वर्ल्ड कार्ड है जिसमें आपको ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पिक्चर दिखाई देगी। भगवान कृष्ण विष्णु का ही अवतार हैं, तो यहाँ पर तीनों पाइल्स में आपको इनके अलग अलग रूप नज़र आएंगे। आपको जो रूप इनका अच्छा लगता है, जो आप पर रेजोनेट हो रहा है, आप उसे चुन लें और उसके बाद हम आपकी रीडिंग को देखेंगे कि वो आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, वो आपको किस रास्ते की ओर लेकर जाना चाहते हैं। बात करते हैं फर्स्ट पाइल की, जिन्होंने द चैरियट कार्ड को यानी कि रथ को चूज़ किया है। क्या कहते हैं कृष्णा आपके लिए, चलिए जानते हैं। यहाँ पर आपके लिए 2 कार्ड्स मैंने आपके करियर को लेकर लिए हैं और 2 कार्ड्स जो हैं वो आपके लव रीडिंग के हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि करियर के लिए या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के लिए क्या भगवान आपको गाइड कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी फाइनेंशियल रीडिंग, आपके करियर के लिए जो मैंने कार्ड्स लिए हैं उसमें फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कॉइन्स। ये दिखाता है कि फाइनेंशियली आपका आने वाला समय काफ़ी अच्छा है, आप काफ़ी स्टेबल होंगे, आपको किसी प्रकार की चिंता की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। क्वीन जो है वो बहुत ही एक अच्छी और स्टेबल एनर्जी है। यहाँ पर आपको बता रही है कि मदर अर्थ आपके साथ हैं, नेचर आपके साथ है, आपको नेचर से जुड़ना चाहिए, आपको बहुत सारे पौधे लगाने चाहिए, आपको बहुत सारी नेचर के करीब रहने की ज़रूरत है। जितना आप नेचर के साथ रहेंगे, जितना आप ईश्वरीय शक्तियों के साथ रहेंगे, जितना आप यूनिवर्स के साथ रहेंगे, जितना आप उनसे कनेक्टेड रहेंगे, उतना ही आप ग्रोथ की तरफ जाएंगे। सेकेंड कार्ड जो आपके करियर और आपकी फाइनेंशियल रीडिंग का कार्ड है वो है द फूल कार्ड। द फूल दिखाता है कि बहुत सारी एक ऐसी एनर्जी आपके साथ है जो इमेच्योर है, आप खुद को इमेच्योर फील कर रहे हैं। पर यहाँ पर दूसरा कार्ड आपको ये बताता है कि ये इमेच्योरिटी जो है वो जल्दी ही स्टेबिलिटी में बदल जाएगी। आपके जो भी डिसीजन गलत थे वो जल्दी ही ठीक डिसीजंस हो जाएंगे। कृष्णा आपकी मदद करेंगे, वो आपके साथ हैं, वो दिखाते हैं कि वो आपके साथ हैं, उनकी एनर्जीज आपके साथ हैं। देखिए, जब हम किसी दौराहे पर खड़े होते हैं, जब हम किसी एज पर, जैसे ये फूल कार्ड में दिखाई दे रहा है व्यक्ति ये खड़ा हुआ है, तब एक एनर्जी, एक सपोर्ट हमारे आसपास होती है। यहाँ पर भी वो सपोर्ट नज़र आ रही है। भगवान आपको रास्ता ज़रूर दिखाएंगे, वो आपको नीचे गिरने नहीं देंगे, वो ज़रूर इस बात के लिए आपको प्रेरित करेंगे कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कैसे आपको आगे कदम रखना है। तो वो गाइडेंस जो है वो सबसे बड़ी शक्ति है। आगे के जो 2 कार्ड मैंने लिए हैं आपकी लाइफ के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए, आपकी रिलेशनशिप के लिए, जो लोग कपल हैं वो भी देख सकते हैं, मैरिड हैं वो भी देख सकते हैं, जो किसी लव अफेयर में हैं वो भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, उनके प्यार की भी यहाँ पर बात हो रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि बहुत ही एनर्जी है इस समय पर, आप अपने पार्टनर से मिलने के लिए बहुत उत्सुक हैं और आपको ये करना भी चाहिए, ये टाइम एक्शन लेने का है। अगर आप शादी के लिए सोच रहे हैं, अगर आप इस बात के लिए अभी तक सोच ही रहे हैं, तो अब एक्शन लीजिए, ये समय है आगे बढ़कर कहने का। और इसके साथ साथ ये समय है आगे बढ़कर एक्शन लेने का। आप उससे कहिए जिससे आप प्यार करते हैं, जिससे आप शादी करना चाहते हैं, कि आप उससे प्यार करते हैं, प्रपोज करने का ये सही समय है, एक्शन लेने का ये सही समय है। भगवान आपके साथ हैं, एनर्जीज आपके साथ हैं, एक्शन की एनर्जीज वो दिखा रहे हैं।
और इसके साथ साथ ये भी दिखा रहे हैं कि पास्ट में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, आपकी विल पावर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप फाइट कर सकते हैं हर चीज़ के लिए, हर चीज़ का मुकाबला कर सकते हैं, आप बहुत तरह से ग्राउंडेड हैं। इस समय पर जो पास्ट के फेलियर्स थे आप उनसे सीख कर बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं। तो नाइन ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि आप बहुत करीब हैं सक्सेस के। जिन्होंने चैरियट कार्ड को चूज़ किया था आपकी रीडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, भगवान आपके साथ हैं, यूनिवर्सल गाइडेंस आपके साथ है, आप उन पर ट्रस्ट कीजिए, आप ट्रस्ट कीजिए कृष्णा के ऊपर, आप ट्रस्ट कीजिए उसकी एनर्जीज़ के ऊपर, आपके साथ बहुत अच्छा होगा जो भी होगा, क्योंकि आपकी रीडिंग बहुत प्यारी है, आपकी रीडिंग बहुत अच्छी आई है। आप अपने काम को करने की कोशिश करें, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, हार्डवर्क करें, ज़रूर सक्सेस आपको मिलेगी, वो रिश्तों में हो, वो करियर में हो, किसी भी चीज़ में क्यों ना हो, भगवान आपको कह रहे हैं कि आप कोशिश करें। तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। अगर आप पर ये रेजोनेट की हो, आपको अच्छी लगी हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर कि आप पर ये रेजोनेट हो रही है। जब आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स में पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आपको ये सब चीज़ें रेजोनेट हो रही हैं, आपको अच्छी लग रही हैं। चलिए अब बात करते हैं पाइल नंबर 2 की। जिन लोगों ने द लवर कार्ड को चूज़ किया है, कृष्णा राधा की पिक्चर को चूज़ किया है, चलिए जानते हैं कि आपके लिए फाइनेंशियल रीडिंग क्या है, करियर की रीडिंग क्या है, लव रीडिंग क्या है। आप लोगों के लिए जो फर्स्ट कार्ड है जो मैंने आपके करियर के लिए लिए हैं, वो जो कार्ड्स हैं दो, ये दिखाते हैं कि 3 of Swords दिखाता है कि कुछ ना कुछ आपके काम में, आप चाहे नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा केयरफुल होने की ज़रूरत है। कोई आपके आसपास का व्यक्ति आपकी पीठ के पीछे बातें कर सकता है, कोई आपके दिल को तोड़ सकता है, कोई ऐसी बात जो आपको हर्ट करेगी, ये आपको इमोशनली हर्ट करने का कार्ड कहा जा सकता है। 4 of Cups भी यही दिखाता है कि कुछ ऐसी एनर्जीज़ आपके पास हैं जो आपको करियर के लिए, फाइनेंस के लिए तंग कर सकती हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज़ आपके साथ धोखा कर सकती हैं, आपको केयरफुल होना होगा। किसी की बातों को दिल पर लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी व्यक्ति ऐसा आपके आसपास हो तो थोड़ी दूरी बनाकर रखें, किसी के साथ अपनी कोई बात ज़्यादा शेयर ना करें, क्योंकि बिज़नेस बिज़नेस होता है, आप उनके साथ अपनी इमोशनल बातों को शेयर ना करें। ऐसे में आप लोगों को अपने फाइनेंसिस को भी संभाल के रखना चाहिए। कृष्णा आपको गाइड करते हैं कि इस समय पर आपको कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, कोई लीगल इश्यूज़ अगर आपके चल रहे हैं तो वहाँ पर भी थोड़ा केयरफुल हों, किसी भी डिसीजन को आपको इमोशंस में आके नहीं लेना है। कहते हैं ना कि बिज़नेस में, काम में या फाइनेंस में किसी भी इमोशन की कोई कीमत नहीं होती, तो आपको इस बात को समझना है। आप लोगों को, अगर आप करियर की रीडिंग के बारे में देख रहे हैं, तो अभी कोई बड़ा डिसीजन ना लें, अभी थोड़ी देर टालें। कृष्णा आपको यही कहना चाहते हैं कि वो आपको, आपकी एनर्जी को गाइड कर रहे हैं कि कृष्णा आपको सही रास्ता दिखाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप, जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, आप लोग किसी भी धोखे में ना पड़े, धोखा ना मिले, इसके लिए पहले ही गाइडेंस दे रहे हैं, तो आपको उसको फॉलो करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी के साथ बिजनेस करते हैं या किसी के साथ जॉब में इतना बड़ा भरोसा कर लेते हैं कि हम उनको हर बात बता देते हैं, हर बात विश्वास के साथ बताते हैं, तो ऐसा करने के लिए आपको अभी मनाही है। आप बिल्कुल भी अपना दिल खोल के किसी के आगे ना रखें, वो आपका मिसयूज़ कर सकता है। अब बात करते हैं 2 cards की जो मैंने आपकी लव रीडिंग के लिए लिए हैं। कपल्स भी उसे देख सकते हैं, जो लोग मैरिड हैं वो भी देख सकते हैं, जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी लव रीडिंग के लिए, बहुत प्यारी केयरफुल एनर्जी है, बिल्कुल फादर की तरह, बिल्कुल पिता की तरह। जो भी आपके पार्टनर होंगे बहुत केयर करेंगे, थोड़े से प्रैक्टिकल हो सकते हैं, क्योंकि एक किंग है तो नेचुरली वो थोड़ा प्रैक्टिकल तो होगा ही, पर आपके पार्टनर आपसे प्यार बहुत करते हैं, वो आपके लिए ही सोचते हैं, आपके लिए ही जानते हैं, वो आपसे बहुत प्यार करने की कोशिश करते हैं, उनके जो फीलिंग्स हैं आपके लिए काफ़ी प्योर हैं प्यार को लेकर। यहाँ पर 4 of Coins दिखाता है कि समटाइम्स आप थोड़े पोजेसिव ज़्यादा हो जाते हैं, आप इमोशनल ज़्यादा हो जाते हैं, आप इमोशनली थोड़े हर्ट महसूस करते हैं ख़ुद को, आप चाहते हैं कि जो आपका पार्टनर है वो सिर्फ आपसे बात करे, सिर्फ आपसे प्यार करे, सिर्फ आपके साथ बंधा रहे, तो ऐसा ना करें। किसी भी रिश्ते को बहुत ज़्यादा बांधना अच्छी बात नहीं है, उनके लिए खुलापन रखें, रिश्तों में खुलापन ज़रूरी होता है। आप लोग उस व्यक्ति को छोड़ दें खुले आसमान में, अगर वो आपका है तो आपके पास वापस ज़रूर आ
आ जाएगा। जितना ज़्यादा बांध के रखेंगे रिश्ते में उतना ही खिंचाव आता है, तो ऐसे में रिश्ते को फ्री छोड़ दें। अगर आपका है, आपसे प्यार करता है वो व्यक्ति, तो ज़रूर आपके पास वापस आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। शक मत कीजिए, आप लोग विश्वास कीजिए एक दूसरे के ऊपर। लव रीडिंग बहुत अच्छी है आपकी। कृष्णा आपसे कहना चाहते हैं, देखिए द लवर कार्ड भी आया है जो दिखाता है कि आपके लिए प्यार के रिश्ते हैं, और ऐसे में आप लोगों ने उसी को चूज़ किया है, तो लव रीडिंग इसीलिए आपकी बहुत अच्छी आई है। तो आपको इस पर कोई शक नहीं करना चाहिए, कोई शुभा नहीं करना चाहिए, रिश्ते में आगे बढ़ें। बड़ी प्यारी फीलिंग है, बहुत अच्छी एनर्जी है। तो चलिए, जिन लोगों ने नंबर 2 पायल को चूज़ किया था, द लवर कार्ड को चूज़ किया था, अगर आप पर ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो, अगर आपको अच्छी लगी हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि आपको रीडिंग्स कैसी लग रही हैं। अब बात करते हैं नंबर 3 पायल की, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु और महेश की इस पिक्चर को, द वर्ल्ड कार्ड को चूज़ किया है। आपके लिए कैसी हैं आपकी रीडिंग्स, चलिए जानते हैं। यहाँ पर आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड है, जो आपके करियर के लिए मैंने 2 कार्ड्स लिए हैं, उसमें पहला कार्ड है द मून कार्ड। आप कंफ्यूज़ हैं 2 चीज़ों के लिए, आपको अभी समझ में नहीं आ रहा, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स आपके मन में चल रही हैं, आपको फ्यूचर की चिंता है, आपको बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं, आप जॉब करें, बिजनेस करें, कुछ लोगों के लिए ये भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर टेम्परेंस भी यही दिखाता है कि आपको पेशेंस रखनी चाहिए। कृष्णा आपको गाइड करते हैं कि पेशेंस रखें, आपके साथ ज़रूर अच्छा होगा, और आपको इस समय पर कन्फ्यूज़ नहीं होना। ये समय कन्फ्यूज़ होने का नहीं, बल्कि सोचने का है कि क्या किया जाए। अगर आप अपने बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं या अपने जॉब में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये टाइम आपको पेशेंस रखने के लिए कहता है। इस समय पर आपको सारा फेथ भगवान पर छोड़ना चाहिए, कृष्णा पर छोड़ना चाहिए, आपको उनको ही बुलाना चाहिए इस बात का डिसीजन लेने के लिए कि क्या किया जाए। जब आप यूनिवर्सल एनर्जी पर सब कुछ छोड़ देते हैं, जब आप सरेंडर कर देते हैं, ये भावना बहुत अच्छी है, तो भगवान खुद नीचे उतरते हैं और आपकी मदद करते हैं। इसको मैंने बहुत बार करके देखा है, बहुत बार आजमाया है, और ये सच में होता है। इसलिए आपको भी चाहिए कि सरेंडर कर दें और किसी भी बात को लेकर घबराएं नहीं। मून दिखाता है कन्फ्यूजन्स को, मून कार्ड यहाँ पर दिखाता है आपकी इनर स्टेट को, कि आप कितने ज़्यादा डरे हुए हैं, कितने घबराए हुए हैं कि क्या होगा फ्यूचर का। तो फ्यूचर को लेकर चिंतित होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है, कृष्णा आपको बुलाने की ज़रूरत है, वो आपकी मदद के लिए, देखिए एंजल भी दिखाई दे रही हैं, तो दिखाते हैं कहीं ना कहीं से वो आपके आसपास हैं, बस उसको पहचानिए, उसको जानकर आप सब कुछ उन पर छोड़ दीजिए। अब बात करते हैं लव रीडिंग की, जो मैंने आपके लिए ली है भगवान की तरफ से, कृष्णा की तरफ से। तो यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर भी दोनों ही एनर्जीज मैं देख सकती हूँ कि कन्फ्यूजन्स की हैं। यहाँ पर भी 2 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाता है कि आप सोच कर थक चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। जिन्होंने भी द वर्ल्ड कार्ड को चूज़ किया है, भगवान आपके साथ हैं, उस पर फेथ करना सीखिए, ज़्यादा सोचिए नहीं, आपको रेस्ट करना चाहिए। यहाँ पर आपके लिए एनर्जीज बहुत स्कैटर्ड हो चुकी हैं, आप हर बात को सोच कर इतना ज़्यादा सोच लेते हैं कि उस बात के मायने ही बदलने लगते हैं। तो कुछ सिक्योरिटी चाहिए आपको, ऐसा लगता है मुझे, आपको लगता है कि जिससे आप प्यार करते हैं क्या वो आपकी लाइफ में आएगा, या आपका रिलेशनशिप स्टेबल होगा नहीं होगा, बहुत सारे मन में विचार हैं आपके। द वर्ल्ड कार्ड जिन्होंने चूज़ किया है, वो कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख सकती हूँ कि वो 2 लोगों के बीच में कंफ्यूज हैं कि इधर जाएं या उधर जाएं, तो ऐसे भी एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो आप लोगों को कहीं नहीं जाना, आप लोगों को रेस्ट लेना है, दिमाग को रेस्ट देना है, मत सोचिए बहुत ज़्यादा, सब कुछ भगवान के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, कृष्णा के ऊपर छोड़ दीजिए, तभी आप एक सॉलिड और स्टेबल डिसीजन ले पाएंगे। हर रिश्ते के लिए एक ज़रूरी चीज़ जो होती है, वो है आराम से, विश्वास से एक रिश्ते के बारे में सोचना और उस रिश्ते को अपने जीवन में उतारना। आप लोगों को बहुत ज़्यादा इस पे सोचने की, विचार करने की ज़रूरत है। आप लोगों को यहाँ पर इस बात को सोचने की ज़रूरत है कि आप किस तरह से एक फेथ लेकर आएं रिश्ते में, क्योंकि यहाँ पर फेथ की कमी मुझे दिखाई दे रही है। भगवान पर छोड़ दें या फिर आप किसी ऐसी एनर्जी पर छोड़ दें जिसे आप मानते हैं। यहाँ पर कुछ मैं बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जीज आपके लिए नहीं देख सकती हूँ। कृष्णा आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि हैव अ पेशेंस। टेम्परेंस दिखाता है पेशेंस रखिए, वो अपने प्यार के लिए भी हो सकती है पेशेंस और काम के लिए भी, क्योंकि दोनों ही जगह पर आपकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। तो इसलिए जिन्होंने नंबर 3 पायल को चूज़ किया है, आपको भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। आप लोगों को मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि अपने फेथ को खोए नहीं, रेस्ट लें, दिमाग को थोड़ा रेस्ट दें, मन को कंफ्यूज ना करें और भगवान पर विश्वास बनाए रखें, आपके साथ सब सही होगा।
तो ये थी हमारी नंबर 3 पायल की रीडिंग। अगर आप पर ये रेजोनेट हुई हो, आपको अच्छी लगी हो, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं अगर आपको कोई भी गाइडेंस मिली। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों का इस तरह से इस वीडियो को देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद।